है हमारे पास प्लैटी एलिमेंट्स। वो हमारे पास क्या है? प्लैटी एलिमेंट्स सुनना ध्यान से, जो चीजें बता। देखो, प्लैटी एलिमेंट्स को हम फ्लैट वर्म कहते हैं, इनको हम फ्लैट वर्म कह रहे हैं। ठीक है, असल में क्या होता है, प्लैटी एलिमेंट्स के मैक्सिमम एग्जांपल एंडोपैरासाइट। मीनिंग ऑफ एंडोपैरासाइट, ये विद इन बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स रहते हैं और मूल मेजली एनिमल्स में रहते हैं। इसके अलावा बहुत फ्यू फ्री लिविंग है, बहुत ही कम ऐसे हैं जो फ्री लिविंग। ठीक है, फ्री लिविंग का एक एग्जांपल जो आपकी उसमें था, क्या नाम है, 10th की एनसीईआरटी में था, जिसमें आप फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन पढ़ते थे, दैट वाज प्लेन एरिया। वो फ्री लिविंग होता है। ठीक है, वो क्या होता है, प्लेन एरिया फ्री लिविंग। उसका साइंटिफिक नाम ड्यूगेशिया होता है, ड्यूगेशिया। ठीक है, तो ये कैसे दिखता है, ये कैसे दिखता है हमारे पास फाइलम प्लैटी हेलमिंस जो है हमारे पास, वो किस तरीके का दिखता है, ध्यान से देखो बेटा, किस तरीके का दिखता है कि हमारे पास इसमें मैक्सिमम होते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। आप याद करो, मैंने इस तरीके से बताया था आपको कि डॉर्सल क्या होगा और वेंट्रल क्या होगा। याद करो बेटा, हमने इस तरीके से पढ़ा था, डॉर्सल क्या होगा, वेंट्रल क्या होगा। अपर सरफेस डॉर्सल है, तो डॉर्सल भी फ्लैट है हमारे पास ये वाला, और ये वेंट्रल वाला हिस्सा भी क्या है इसका, फ्लैट है। तो डॉर्सल वेंट्रल फ्लैट है, इसलिए इनको फ्लैट वॉर्म कह रहे हैं। क्लियर? इसलिए इनको क्या कह रहे हैं, फ्लैट वॉर्म कह रहे हैं। अब ये देखो, एक एग्जांपल बना हुआ है, ये कहने के लिए आईज है, पर ये एक तरीके का फोटो रिसेप्टर है, प्रॉपर आईज है नहीं इनके पास। क्लियर? अब देखो ध्यान से, अब हम इनके, ये एग्जाम्पल्स है आपके सामने, अब हम इनके क्या पढ़ रहे हैं, तीन एग्जाम्पल्स। अब देखो, इनके जो हमने फीचर्स पे बात करी थी, दोबारा देखो फीचर्स में हम क्या बात कर सकते हैं। फर्स्ट हमने क्या कहा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बात करी थी ना, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर टिश्यू है, सॉरी यहाँ पर ऑर्गन बना है। फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या बन गया, ऑर्गन। फर्स्ट टाइम हमारे पास ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन बन गए। सिलोम, हम स्टिल इनको ए सिलोमेट कहते हैं, क्योंकि बॉडी कैविटी बनती ही नहीं है, बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, मतलब जहां पर बॉडी कैविटी होती है उसमें सेल्स भरे हुए होते हैं, तो कोई बॉडी कैविटी ही नहीं प्रेजेंट है। जर्म लेयर कितनी है इसमें, अब तीन बन गई है, तो मीजोडर्म आ गई है इसमें, तो मीजोडर्म फर्स्ट टाइम इनमें बनती है। तो इस वजह से ये कैसे है हमारे पास, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक, और सिमेट्री हमारे पास बाइलेटरल है। क्लियर? इससे पिछले वाले ग्रुप से कंपेयर करो, वहां टिश्यू लेवल था, ठीक है, और डिप्लोब्लास्टिक था, और क्या था बेटा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, डिप्लोब्लास्टिक था और सिमेट्री हमारे पास कैसी थी, सिमेट्री हमारे पास क्या थी, सिमेट्री हमारे पास क्या थी बेटा, बाइलेटरल, वहां रेडियल थी। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारे पास बाइलेटरल हुई है, पिछले वाले में रेडियल थी। क्लियर? हाँ सुजल, पूछ पर तेरी आवाज साफ नहीं आएगी मुझे लग रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, जल्दी से आगे देखो बेटा, इसमें क्या है। देखो, डाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से सुनना, मैं जो आपको समझा रहा हूँ, हमने इनमें क्या बात करी थी, उन चीजों को समझ लो। हमने जो बात करी थी बेटा इनमें, हमने कहा था कि इनमें जो, जैसे मान लो मैं ये बना हूं, मैंने ये प्लेन एरिया बना दिया, ऐसे मैंने इस तरीके से प्लेन एरिया बना दिया। ठीक है, तो जो प्लेन एरिया बनाया है उस प्लेन एरिया में माउथ तो होगा, क्लियर, एलिमेंट्री कैनाल भी बनेगी, पर ऐसा कंप्लीट टाइप की नहीं बनेगी, क्योंकि एनस नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है, एनस नहीं है। एनस ना होने की वजह से एनस एब्सेंट है हमारे पास, क्या है इसमें, एनस एब्सेंट है। तो एनस ना होने की वजह से, एनस ना होने की वजह से हम कहेंगे कि एलिमेंट्री केनाल इसकी क्या है बेटा, हमारे पास इनकम्प्लीट है। तो ये जो एलिमेंट्री केनाल है, ये जो हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री केनाल है, ये एलिमेंट्री केनाल एक इनकम्प्लीट टाइप की है। कैसे, हमारे पास इनकम्प्लीट टाइप है, हमारे पास माउथ है इनमें, दूसरा ये ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड खा रहे हैं, तो इसलिए इनमें ग्लैंड्स नहीं होंगी। ग्लैंड्स क्या बनाती है बेटा, एंजाइम। ग्लैंड्स क्या बनाती है, एंजाइम, और एंजाइम किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन डाइजेशन।
तो जब ये ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड खा रहे हैं तो इनमें हमारे पास ग्लैंड्स की नीड नहीं है। जरा हम डाइजेशन पे कंपैरिजन लेते हैं स्टार्टिंग से। पॉरीफेरा में माउथ का काम कर रहा था कौन? ऑस्टियम। और वहां डाइजेशन था बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर, सॉरी वहां डाइजेशन था इंट्रा सेलुलर, क्योंकि ऑस्टियम से जो पानी आता था वो ऑस्कुलम से बाहर चला जाता था। ठीक। हाइड्रा में जो कि सीलेंट्रेटा वाला ग्रुप था उसमें माउथ था और वो जाता था खाना कहाँ पर? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में, जहां पर एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों होता था। यहाँ क्या है, इनमें ग्लैंड्स नहीं बनी अभी क्योंकि ये ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड खा रहे हैं। माउथ है, एलिमेंट्री केनाल बन गई है, वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। वो सिर्फ किसका काम कर रही है? एब्जॉर्प्शन का। क्लियर? सही है। अब ये क्या कर सकते हैं बेटा, ये क्या कर सकते हैं, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि अगर ये मान लो किसी के एलिमेंट्री केनाल में प्रेजेंट है तो वहां पर ये अपने बॉडी सरफेस से खाना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बॉडी सरफेस से भी खाना क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हैं होस्ट से। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा, इनमें से जो भी पैरासिटिक फॉर्म है, जैसे आपके सिलेबस में तीन एग्जाम्पल है, एक है प्लेनेरिया, एक है लिवर फ्लूक और एक है हमारे पास टेपो। तो जो हमारे पास प्लेनेरिया है उसका नाम है ड्यूगेशिया, ड्यूगेशिया। लिवर फ्लूक का नाम है फेसियोला हेपेटिका, हेपेटिक मतलब लिवर से आ रहा है। टेप वॉर्म का जो नाम है उसे टेनिया सोलियम कहते हैं, टेनिया सोलियम कहते हैं। तो इनमें से ये दोनों पैरासिटिक है, तो इनमें हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होने चाहिए, ध्यान से सुन लो बेटा, इनमें हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जो जो इनको क्या करें बेटा, जो इनको बचाएं कि ये पेरिस्टाल्सिस से आगे मूव ना करें। मैं रिपीट कर रहा हूं, इनमें क्या नहीं है बेटा, हमारे पास ग्लैंड्स एब्सेंट है। इनमें हमारे पास क्या है? ग्लैंड्स एब्सेंट है, इनमें ग्लैंड्स नहीं है। ठीक है, इनमें ग्लैंड्स नहीं है। क्लियर? और इनमें क्या है बेटा, हमारे पास ये सरफेस से भी खाना एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि इनके पास हमारे पास स्ट्रक्चर्स होने चाहिए हुक और सकर। हुक और सकर क्या हेल्प करेंगे बेटा? जैसे हुक और सकर की हेल्प से ये अटैच हो जाएगा किसी की एलिमेंट्री केनाल में। मान लो ये एलिमेंट्री केनाल है, किसी की एलिमेंट्री केनाल में ये अटैच हो जाएगा ऐसे हुक से, उससे पेरिस्टाल्सिस इन्हें बाहर नहीं फेंक पाएगी। क्लियर? बाहर थ्रो नहीं कर पाएगी। अब ये तो हमारे पास एग्जाम्पल हो गए किसके, ये हमारे पास क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए किसके, किसके एग्जाम्पल हो गए हमारे पास, किसके एग्जाम्पल हो गए, इसके क्या नाम है, तीन एग्जाम्पल है आपके पास। एक है प्लेनेरिया जिसे आप क्या कहते हो, ड्यूगेशिया। दूसरा है लिवर फ्लूक जिसे आप कहते हो फेसियोला हेपेटिका। तीसरा आपके पास टेप वॉर्म जिसे आप कहते हो टेनिया सोलियम। ये तीन एग्जाम्पल्स है। क्लियर? ये चीज समझ आ रही है बेटा? तीन एग्जाम्पल्स है हमारे पास। क्लियर? अब मैं इसमें से बेटा इनके एक्सक्रीशन को लेके बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। हमने सबसे पहले बात कर ली इनके डाइजेशन को लेके, पिछले वाले ग्रुप से डाइजेशन कंपेयर करके चलो बेटा। रेस्पिरेशन अभी तक बॉडी सरफेस के थ्रू ही हो रहा है। मुझे बता सकता है कोई स्पॉन्जिस में कौन सा चीज रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में मदद कर रही थी? फिर क्या? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में कौन हेल्प कर रहा था? केनाल सिस्टम। यस सर। केनाल सिस्टम तीन चीजों में मदद कर रहा था, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, रेस्पिरेटरी फूड में फूड और गैदरिंग, रिप्रोडक्शन। और नहीं, रिप्रोडक्शन तो अलग से, एक्सक्रीशन में। क्लियर? हेल्प कर रहा था एक्सक्रीशन में। क्लियर? ये समझ आ रही है? सर वो किसी का माइक ऑन था तो। सुजल बेटा आपके माइक में वो है प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत अनम्यूट कर लिया करो एक बार बात करके, देखो। और बेटर है मैसेज में लिखो। डाइजेशन भाई, डाइजेशन में बात कर ली, रेस्पिरेशन में बात कर ली, सर्कुलेशन अभी कुछ डेवलप हुआ नहीं है, तो हम लोग बात कर सकते हैं एक्सक्रीशन पे। एक्सक्रीशन में लेकर बेटा, एक्सक्रीशन में क्या हुआ है, इनकी बॉडी में एक स्पेशल टाइप के सेल्स आए जिनका नाम है, ध्यान से सुनो, जिनका नाम है फ्लेम सेल्स। जिनका नाम क्या है? फ्लेम सेल्स, याद रखना। इससे पिछले वाले में भी एक्सक्रीशन तो खाली कैसे हो रहा था,
सिंगल ओपनिंग थी तो वेस्ट वहीं से बाहर फेंक रही थी। यहाँ फर्स्ट टाइम एक खास तरह के सेल्स आए हैं, फ्लेम सेल। जैसे अभी तक आपने तीन अलग अलग टाइप के स्पेशल सेल्स की बात कर ली है। पॉरीफेरा में पानी को बाहर थ्रो करने के लिए कौन सा स्पेशल सेल था, नाम याद करने की कोशिश करो, कोइनोसाइट। उसके बाद अगली फाइलम में स्टिंगिंग कैप्सूल के साथ सेल का नाम था नाइडोब्लास्ट। तो नाइडोब्लास्ट इज अ फीचर ऑफ सिलेंड्रेटा, कोइनोसाइट इज अ फीचर ऑफ पॉरीफेरा। अब यहां पर काम अलग अलग है। यहां पर एक स्पेशल सेल्स है जो इस फाइलम का फीचर है, दैट इज फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स का एक और नाम है प्रोटोनेफ्रीडिया, ये भी बोल देते हैं इसको। और ये किसमें हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, ये दो अलग अलग बातें हैं बेटा। एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट रिमूवल। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंट सॉल्ट एंड वॉटर बैलेंस। पर अगर मैं कहता हूं भाई, मैं ये कहता हूं कि ऑस्मो रेगुलेशन कैसे पॉसिबल है विदाउट एक्सक्रीशन, नहीं। अगर आपकी बॉडी में सॉल्ट इकट्ठा होता जाए, एक्यूमुलेट होता जाए, एक्सक्रीट ना करो, यूरिया इकट्ठा होता जाए, तो फिर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होगा। तो ऑस्मो रेगुलेशन है मतलब कॉन्स्टेंट मेंटेन करना, और उसके लिए एक्सक्रीशन जरूरी है। और किडनी एक्सक्रीशन का काम करती है, इसलिए हम कहते हैं किडनी ऑल्सो हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। समझ आ रहा है, बोलो बेटा। ये क्लियर है बात, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन कैसे रिलेटेड है। अगर वेस्ट बॉडी के बाहर नहीं फेंकेंगे आप, तो प्रॉब्लम क्या होगी हमारे पास, प्रॉब्लम होगी क्या कि वो वेस्ट इकट्ठा होता जाएगा, तो ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करोगे, क्लियर। अब ये फ्लेम सेल, इन्हें फ्लेम सेल क्यों बोला है, क्योंकि इनके अंदर कुछ इस तरीके का दिखता है बेटा। देखो ये क्या करते हैं, ये फ्लेम सेल्स में ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये क्या करते हैं, ये यहां से अपने आसपास से ऐसे वेस्ट इकट्ठा करते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनसे ये वेस्ट इकट्ठा करते हैं, ये सेल है। उसके बाद ये सेल इस ट्यूब से, ध्यान सुनो, ये सेल हमारे पास इस ट्यूब से इस वेस्ट को बॉडी के बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये कोई वॉर्म है, टेप वॉर्म है, तो इस पर ये फ्लेम सेल बना हुआ है। तो फ्लेम सेल यहां से वेस्ट इकट्ठा करेगा और एक ट्यूब के थ्रू सरफेस के बाहर फेंकेगा। और इसे फ्लेम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बेटा हमारे पास कुछ ऐसा सीलिया जैसा, जो फ्लेम होता है ना, फ्लेम जो हमारे पास कोई फ्लेम जल रही होती है उसके जैसा अपीयरेंस देता है, सीलिया होता है, जो उस वेस्ट को बाहर फेंकने में हेल्प करता है, क्लियर। तो इसे हम इसलिए नाम देते हैं फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल्स उसकी पूरी बॉडी पर लगे होते हैं और पूरी बॉडी में उस वेस्ट को इकट्ठा कर करके बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, क्लियर। तो ये कुछ ऐसा होता है, आप देखो जरा, कुछ ऐसा होता है, आप देख सकते हैं ये बेटा, ये देख सकते हैं कि ये देखो फ्लेम सेल है, देखो जरा ध्यान से बेटा, ये फ्लेम सेल है, ये इसके सीलिया है यहाँ पे। और ये देखो इस ट्यूब के थ्रू इसको क्या कर रहे हैं, एक ट्यूब के थ्रू ऐसे जोड़ दिया और फिर उससे एक सेल जुड़ा हुआ है जो ये वेस्ट इकट्ठा करते हैं और फिर वो एक्सक्रीटरी पोर बॉडी के बाहर खोलता है, उस एक्सक्रीटरी पोर पे वो क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ये चीज समझ आ रहा है बेटा, देखो ये दो सेल, एक सेल ये और एक सेल ये, ये फ्लेम सेल है जो यहां से वेस्ट को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, यहां से वेस्ट को क्या कर रहा है बेटा, कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, कलेक्ट कर रहा है। तो जब ये वेस्ट को कलेक्ट कर रहा है, और ये फाइनली उस वेस्ट को बाहर थ्रो कर रहा है, तो इसे हम कह रहे हैं कि एक्सक्रीटरी पोर की हेल्प से ये इसको बाहर थ्रो कर रहा है, क्लियर। और ये एक्सक्रीटरी पोर इसकी बॉडी के सरफेस पे लगे रहते हैं, जैसे वाइपरी स्ट्रक्चर है, पूरी बॉडी पे ये पोर लगे रहेंगे, क्लियर, पूरी बॉडी। एक मिनट रुक जाओ, एक एक करके पूछो, आप पूछो सर, ये कलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं और कहाँ पे ये ग्रो कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बेटा यहाँ पर सेल्स लगे होंगे खूब सारे, ऐसे दो सेल्स, मतलब पूरी बॉडी पे सेल्स लगे हुए ऐसे, और इस सेल का नाम है फ्लेम सेल। ये देख, ये सेल का नाम क्या है, फ्लेम सेल। ये फ्लेम सेल कैसा सेल है, देख, ऐसा सेल,
जो यहां से देख मेरी बात में ये पूरी बॉडी पे लगे हुए, तो आसपास जो भी वेस्ट है उसको क्या कर रहे हैं, ये कलेक्ट कर रहे हैं। आसपास जो भी वेस्ट है उसको ये क्या कर रहे हैं, ऐसे कलेक्ट कर रहे हैं। वेस्ट को कलेक्ट करके इस ट्यूब से बाहर निकाल रहे हैं और फाइनली इस सेल को दे रहे हैं जो बॉडी के बाहर ओपन हो रहा है। ये समझ आई नहीं आई सर? अगर बाय चांस इस जो प्लेनेरिया वगैरह वो बाय चांस सॉलिड वेस्ट को एब्जॉर्ब कर ले, सॉलिड वेस्ट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। मतलब जो जो वेस्ट होगा अगर वो बाय चांस थोड़ा सा मतलब सॉलिड हैविटाइट हो जाए, एक मिनट रुक, दे आर ईटिंग, दे आर नॉट ईटिंग, दे आर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। सॉलिड वेस्ट तो तब बनेगा जब कोई ईट कर रहा होगा। वो एब्जॉर्ब कैसे करेगी है, वो एब्जॉर्ब कैसे करेगी? कह तो रहा हूं बॉडी सरफेस से, मतलब उनका कोई स्पेशल या फिर एंडोस्मोसिस ऑस्मोसिस है? अरे मैं कह रहा हूँ बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑस्मोसिस नहीं बोलते हैं बेटा, ऑस्मोसिस पानी के लिए बोलते हैं। ओके सर, सरफेस से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ये कुछ एक्सक्रीट होना करेंगे? अरे तो न्यूट्रिशन कुछ तो वेस्ट बनेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है बेटा। वेस्ट दो तरीके का होता है, एक होता है ज्यादा खाने से वेस्ट बनेगा, शक्कर से बेटा कर सकते हैं अगर एलिमेंट्री किनारे में करना होगा। एक होता है मेटाबॉलिक वेस्ट बनना, मतलब एक होता है नॉर्मल वेस्ट बनना, आपने ज्यादा खाया तो वेस्ट बना। दूसरा तरीका होता है वेस्ट बनने का कि हमारी बॉडी में वैसे भी वेस्ट बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप पानी ना भी पियो तो आपकी बॉडी में पानी कहाँ बनता है, रेस्पिरेशन में। आप बचपन से एक रिएक्शन पढ़ते आ रहे हो, C6H12O6+6O2, क्या देता है ये, O2 plus 6H2, पानी तो बन रहा है ना, तो ये तो पहले वाले लेफ्ट साइड पर +12H2O भी होता है ना बेटा? वो अलग इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, वो अलग है बेटा। ओके सर, उस पे बात करेंगे बाद में, अभी के लिए मेरी बात सुन लो कि जो वेस्ट है उसको एक खास तरह के सेल से एक्सक्रीट करते हैं, दैट सेल इज नोन एज फ्लेम्स है, वो स्पेशल टाइप का सेल होता है, क्लियर? अब मेरी बात देखेंगे इसमें, मैं और क्या बोलूं, मैं ये कह रहा हूं। हां और बहुत बहुत सारे फ्लेम सेल्स होते हैं। हां एक थोड़ी होता है, पूरे सरफेस पे लगे हुए सर, अगर अगर बहुत सारे फ्लेम सेल्स होंगे तो एक्सक्रीटरी पोर और भी तो बहुत सारे होंगे ना बेटा? एक्चुअल में क्या होता है, वो एक ट्यूब में ले जाते हैं इसको भी, ये जैसे एक्सक्रीटरी पोर है ना हमारे पास, हमारे पास जैसे हम लोग क्या करें ट्यूब के अंदर ले जाते हैं फाइनली, वो उस ट्यूब से एक्सक्रीटरी पोर से बाहर फेंकते हैं। अच्छा तो मतलब सारे फ्लेम सेल्स की ट्यूब कनेक्ट करके और एक्सक्रीटरी पोर से बाहर फेंकते हैं, ये कर रहे हैं, क्लियर? क्या तक समझ आ रहा है सबको? बेटा फ्लेम सेल पूरी बॉडी पे लगे हुए, क्लियर? आपको क्या क्या याद करा हमने, सुन लो ध्यान से, देखो हमने क्या क्या याद किया इसमें, इस फाइल में। सबसे पहले ये फ्लैट वॉर्म है क्योंकि ये डॉर्सल और वेंट्रल दोनों फ्लैट है। ये मैक्सिमम पैरासाइट है, वो भी एनिमल में, प्लांट में नहीं, इसमें से बहुत कम फ्री लिविंग है। दूसरा हमने इनके चार फीचर जो याद किए, सिलोम नहीं है, सिमेट्री बाइलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और ऑर्गन बन गया। डाइजेशन में हमने बोला इसमें कि ये सरफेस से अब्सॉर्ब कर सकते हैं, इनकी इनकम्प्लीट एलिमेंट्री केनाल होती है। रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से होगा, और क्या कर सकते हैं बेटा, ये बॉडी सरफेस से हम कह रहे हैं एक्सक्रीशन के लिए इनमें स्पेशल सेल है जिन्हें हम फ्लेम सेल कह रहे हैं। एक खास चीज जो इनमें हुई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो खास चीज जो इनमें हुई है वो चीज क्या है, जरा ध्यान से देख लो, मैं आपको समझा रहा हूँ जो इनमें स्पेशल क्या हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर? और वो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट है। एक हमने पढ़ा है ड्यूगेशिया, ड्यूगेशिया जिसे प्लेनेरिया कहते हो, दूसरा पढ़ा आपने इसके बाद क्या चीज, लिवर फ्लूक, तीसरा आपने पढ़ा इसमें टेप वॉर्म पढ़ा। अब जरा एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। प्लेनेरिया फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग होगा तो हमारे पास चांसेस हैं कि ये एक्वेटिक टाइप का होगा। अब बात कर लेते हैं लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक का नाम है फेसियोला, फेसियोला हेपेटिका। अब जरा ध्यान से सुने सब लोग, हम लोग कुछ टर्म्स यूज करते हैं, जैसे देखो अगर हमारे पास कोई पैरासाइट है, पैरासाइट किसी की बॉडी के इनसाइड होगा तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं एंडो पैरासाइट।
दूसरा बेटा, पैरासाइट जो होता है उसके कई बार दो तरीके के होस्ट हो सकते हैं, दो होस्ट होते हैं और सिंगल होस्ट भी हो सकता है। जिन पैरासाइट के दो होस्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि उनकी डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल का मतलब वो दो होस्ट पर कंप्लीट होती है। दो होस्ट पर क्या होती है बेटा, वो कंप्लीट होती है। मतलब हम ये कहते हैं कि जिन पैरासाइट्स के दो होस्ट होते हैं, दो होस्ट का मतलब फेसियोला हेपेटिका बेसिकली जो बाइल बाइल ट्यूब होती है हमारे पास, बाइल डक्ट होती है, उसमें प्रेजेंट होता है, जो लिवर से डक्ट आती है उसमें प्रेजेंट होता है शीप के, शीप सुना है बेटा आपने, शीप उसमें प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये उसमें होता है जो स्नेल होता है ना, स्नेल उसमें होता है। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो लिवर फ्लूक है उसके दो होस्ट हैं, पहला है शीप और दूसरा है स्नेल। स्नेल वो होते हैं जिनमें शंख वाले जो होते हैं ना, जिनमें हार्ड कवर होता है उसके जैसे वाले होते हैं। तो ये स्नेल में होता है और शीप में होता है, मतलब इसकी कुछ स्टेजेस स्नेल में कंप्लीट होती है, कुछ शीप में कंप्लीट होती है। ये चीज समझ पा रहे हो? तो ऐसा पैरासाइट जिसके दो होस्ट हो उसको कहते हैं डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, मतलब उसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होती है। बेस्ट एग्जांपल आपका प्लाज्मोडियम, जिसके दो होस्ट हैं, एक ह्यूमन है और एक मॉस्किटो है, ठीक है। ऐसे ही टेप वॉर्म के भी दो होस्ट हैं, दो होस्ट हैं, एक है ह्यूमन, ह्यूमन के ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बेटा। ह्यूमन के ये कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्लियर। ह्यूमन में कहां होता है बेटा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। दूसरा दूसरा होस्ट है इसका पिग, पिग क्योंकि ह्यूमन एक्सक्रीटा ईट कर रहा है इस वजह से पिग के अंदर जाता है और ये उसकी मसल में चला जाता है। मसल में लार्वे होते हैं इसके, एग टाइप के, और अगर कोई उस पिग के पॉक को, जो मीट को खाता है जो प्रॉपरली कुक्ड ना हो, तो उसमें ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। तो इसके भी दो होस्ट हो गए, इसके भी दो होस्ट हैं, इसलिए इन दोनों की लाइफ साइकिल क्या है, डाइजेनेटिक है। ये एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, जो एक मिनट रुक जाओ, ये एक्स्ट्रा है जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। लिवर फ्लूक के दो होस्ट है, बाइल डक्ट शीप की और स्नेल। टेप वॉर्म के दो होस्ट है, ह्यूमन का स्मॉल इंटेस्टाइन और वहां से पिग, क्लियर। दो होस्ट है, अगर कोई एक होस्ट होगा तो लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, दोनों होस्ट चाहिए, तभी एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में, मतलब दोबारा नई इंफेक्शियस फॉर्म बनेगी। ऐसी लाइफ साइकिल्स को हम क्या बोलते हैं, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। पूछो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा, जो भी पैरासाइट्स होते हैं ऐसे जिन्हें आप, प्लेनेरिया जो होते हैं वो हमारे बॉडी में जा सकते हैं? नहीं, फ्री लिविंग एंडो पैरासाइट जो होते हैं उनकी कुछ अडेप्टेशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली अडेप्टेशन होती है एंडो पैरासाइट की, कि उनमें क्या होते हैं बेटा, हुक और सकर होते हैं, अगर वो एलिमेंट्री केनाल वाले हैं। दूसरी अडेप्टेशन होती है हमारे पास, दूसरी अडेप्टेशन होती है इनकी हुक और सकर के अलावा, दूसरी अडेप्टेशन हमारे पास होती है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, सेकेंड अडेप्टेशन होती है कि इनके पास एलिमेंट्री केनाल नहीं होती। एलिमेंट्री केनाल में हम लिखते हैं ग्लैंड्स एब्सेंट है, क्या एब्सेंट है, ग्लैंड्स एब्सेंट है। तीसरा, ये आपके इंटेस्टाइन में रह रहे हैं तो इनका रेस्पिरेशन एनएरोबिक होना चाहिए, एरोबिक हो ही नहीं सकता, वहां हवा नहीं होती है, ठीक है। चौथा बेटा, ये क्या करते हैं, ध्यान सुनो, ये क्या करते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं मोस्टली, क्योंकि यूनिसेक्सुअल होने से ज्यादा फायदा होता नहीं है, बाइसेक्सुअल होते हैं। इनकी रिप्रोडक्शन रेट बहुत हाई होती है, मतलब लाखों एग बनाते हैं, रिप्रोडक्शन रेट क्या होती है, हाई होती है। इनको आईज की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं इनमें सेंसरी ऑर्गन एब्सेंट है। रीजन ये है क्योंकि ये आपके स्टमक के इंटेस्टाइन के अंदर है, तो वहां पर उनको लाइट तो पड़ेगी नहीं, तो उनमें सेंसरी ऑर्गन नहीं होते क्योंकि स्टिमुलस मिलेगा नहीं, वो बॉडी के बाहर तो है नहीं, ठीक है। तो उनमें सेंसरी ऑर्गन क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, होते ही नहीं, क्लियर। तो ये कुछ आपको डिटेल एक्स्ट्रा बताई जो आपके काम की है। इसके पॉइंट क्या है बेटा, हम लिख रहे हैं एलिमेंट्री केनाल में ग्लैंड्स एब्सेंट है, थर्ड है एनएरोबिक,
रिप्रोडक्शन रेट हाई होता है बेटा, बहुत सारे ये क्या बनाते हैं, बहुत सारे मतलब एग बनाते हैं, लाखों में एग्स बनाते हैं। ठीक, जैसे हमने आपको ये बताया टेप वॉर्म में, तो टेप वॉर्म में हमने कहा था कि हर एक पार्ट में टेस्टिस और ओवरी होता है और यहाँ पर एग भरे रहते हैं इसमें। मतलब देखो कैसे कैसे होता है, ये नया सेगमेंट बनता है, नया सेगमेंट जब थोड़ा मैच्योर होता है तो उसमें टेस्टिस और ओवरी बन जाती है, फिर जब वो उसमें रिप्रोडक्शन हो जाती है उस सेगमेंट में तो धीरे धीरे एग बन जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि आखिरी के सेगमेंट में कुछ नहीं होता, सिर्फ एग होते हैं और ये सेगमेंट टूट टूट के फीसिस के साथ, एक्सक्रीटा के साथ रिलीज हो रहे होते हैं। ये तो इनमें कुछ स्पेशल अडेप्टेशन हो गई ऐसे। इसके अलावा ये देखो लिवर फ्लूक है, तो लिवर फ्लूक तो सरफेस से एब्जॉर्ब कर रहा होगा क्योंकि ये बाइल वाइल के साथ आसपास रहता है ये। ठीक है, तो ये यहाँ से बेटा इसमें एलिमेंट्री केनाल इस तरीके से होती है, ये ऐसे इस तरीके से। क्लियर? सही है, क्लियर। अब देखो ये हमने बना दिया, अब ध्यान से सुनो बेटा, इसके बाद हमारे पास एक मिनट देखो ध्यान से, हमारे पास हमने कहा इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है, हम कह रहे हैं सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब ये क्या है, बाइसेक्सुअल है, और उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मोनोशियस, या एक वर्ड और यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट, याद हो जाएगा, ये तीन टर्म्स है। क्लियर? क्लियर। लिवर फ्लूक बेटा ये सब बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट, फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, इंटरनल, एंड डेवलपमेंट इज थ्रू, देखो लिखा मैनी लार्वल स्टेजेस, क्योंकि इनकी डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है इसलिए बहुत सारी स्टेजेस बनेंगी लार्वा की भी। देखो हम कैसे लार्वा बोलते हैं, देखो जाइगोट से लार्वा, लार्वा से एडल्ट, हम इसको लार्वा नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इसकी मॉर्फोलॉजी अलग से एडल्ट से अलग दिखती है। जब आप कभी बेटा किसी उसका लार्वा देखोगे, किसका ये क्या नाम है, बटरफ्लाई का, उसका लार्वा कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन बटरफ्लाई तो ऐसे दिख रही है, तो भाई लार्वा और उसमें बिल्कुल ही स्ट्रक्चर अलग हो तब हम लार्वा बोलेंगे ना। अगर जाइगोट से जो बने वो एडल्ट से मैच करता हो तब थोड़ी लार्वा बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखो कुछ मेंबर में रीजनरेशन कैपेसिटी है, अब इसमें तो दो एग्जांपल लिखे, एक लिखा टेप वॉर्म, एक लिखा फैसियोला, तीसरा हम लिख रहे हैं कौन सा, प्लेन एरिया, तीसरा हम क्या लिख रहे हैं बेटा इनमें, प्लेन एरिया लिख रहे हैं। ठीक, एक चीज मैंने बेटा आपको और बतानी है इसमें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यहीं से सेफलाइजेशन हो गई है, सेफलाइजेशन समझा रहा हूं, कुछ किसी को पूछना है तो पूछ लो मेरे से। देखो सेफलाइजेशन का मतलब बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं जो समझा रहा हूं। इससे पिछले वाले ग्रुप में सिलेंट्रेटा में क्या आए थे, न्यूरॉन्स आए थे, याद है सबको, सिर्फ क्या आए थे, न्यूरॉन्स। अब इनमें क्या हुआ था, जो फ्लैट वॉर्म थे इसमें कुछ ब्रेन टाइप बना था, ब्रेन बना था ना, व्हाट इज ब्रेन टाइप चीज जो बनाना, ब्रेन टाइप का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको समझ आएगी बात, शायद आपने कभी रियलाइज नहीं किया हो, ध्यान से सुनो। हमने क्या किया है बेटा, हमने क्या किया, सिफलाइजेशन का मतलब ये है कि हमारे पास इस तरीके के ऑर्गेनिज्म है जो अपने एंटीरियर एंड से आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ जरा, मुझे क्या करना था, इनमें रिसेप्टर्स डेवलप हुए थे, फ्लैट वॉर्म में रिसेप्टर्स डेवलप हुए थे, रिसेप्टर, मान लो फ्लैट वॉर्म में यहां पर एक रिसेप्टर है जिसका नाम है थर्मोरिसेप्टर है। ठीक है, क्लियर, थर्मोरिसेप्टर है, ध्यान से सुनना, यहां लगा हुआ ये, और यहां जल रही है आग, यहां पे इस तरफ आग जली हुई है, यहां आग जली हुई है, तो मुझे ये बताओ कि जब टेप वॉर्म आगे बढ़ रहा होगा तो यहां से ऐसे टेप वॉर्म या कोई टेप वॉर्म छोड़ो, कोई भी वॉर्म आगे बढ़ रहा होगा तो उसको हीट कब पता चलेगी, जब वो आधा जल जाएगा कि यहां पे पता चल जाएगी, कुछ पता चला मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, उसको पता चल जाएगी तो मुझे नहीं आया समझ, मुझे भी नहीं आया, तुम सुन ही नहीं रहे, ध्यान से इधर देखो, ध्यान से फिर सुनो, दोबारा सुनो, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर सुनो, मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ सिफिलाइजेशन, उसका मतलब क्या है सुनना ध्यान से, उसका मतलब ये है बेटा कि जब रिसेप्टर्स बने तो रिसेप्टर कहाँ बनाने, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं।
डार्सल, मैंने यहाँ पर इसके ऊपर एक रिसेप्टर बनाया जिसे मैं थर्मो रिसेप्टर कह रहा हूँ। ये ऑर्गेनिज्म इधर आगे बढ़ रहा है, इसका नाम है थर्मो। थर्मो का मतलब तो समझ आता है, टेम्परेचर। yes, sir. ठीक, यहाँ आग जल रही है, जब ये आग में आधा जल जाएगा तब इसे पता चलेगा आग जल रही है, इसको नहीं पता चलेगा। इसीलिए क्या हुआ कि थर्मो रिसेप्टर को क्यों ना एंटीरियर एंड पर बनाया जाए, ताकि वो आग में जले नहीं, उसको पहले पता चल जाए। इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि हमारे मैक्सिमम रिसेप्टर हमारे एंटीरियर एंड पर बनाए गए। मतलब जब ब्रेन, और इसका क्या मतलब है देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एंटीरियर एंड पर मैक्सिमम रिसेप्टर बनाए गए, और उन रिसेप्टर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि रिसेप्टर सिग्नल किसको भेजेंगे, ब्रेन को, तो यहां पर बहुत सारे न्यूरॉन्स रखे गए जिसे अब हम ब्रेन कहते हैं। किसी को समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला सिफिलाइजेशन का मतलब ये है बेटा, सिफिलाइजेशन प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हो गई थी, जिसका मतलब है एंटीरियर एंड पर ब्रेन और साथ में रिसेप्टर्स डेवलप करना। क्योंकि रिसेप्टर, आप खुद से देखो, आपका ये सर एंटीरियर एंड है, आप खुद से सोचो, आपके मेन रिसेप्टर यहाँ है, आई यहाँ है, नोज यहाँ है, समझ आ रहा है, ईयर यहाँ है, टंग यहाँ है, आपके मेन रिसेप्टर सारे यही है, और बाकी तो जो स्किन है तो वो पूरी बॉडी पे है, तो उससे मिनिमम डिस्टेंस है ब्रेन का। यस सर, समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर आ रही है। यस हाँ, रिसेप्टर मींस ऐसी चीज जो बाहर से सिग्नल को रिसीव कर सके। तुम खुद से सोचो बच्चे, तुम्हें हीट, टेम्परेचर, ये तभी पता चलता है क्योंकि स्किन एज अ रिसेप्टर काम कर रही है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। वो इसी तरीके से पॉसिबल है, वो पता ही नहीं चलेगा, क्लियर है? तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं बेटा, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं समझो, हम ये कह रहे हैं कि जब रिसेप्टर बने उनको कहाँ बनाया जाए, उनको क्या मैं यहाँ बना सकता हूँ, इधर बना सकता हूँ? अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो इस एंड से ये आगे बढ़ेगा तो डैमेज हो जाएगा, तो रिसेप्टर्स को यहाँ बनाया गया। उसी के हिसाब से ब्रेन की डेवलपमेंट की गई, ब्रेन की डेवलपमेंट एंटीरियर एंड पे की गई। तो क्योंकि ब्रेन, बेटा ब्रेन एक्चुअल में क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स ही तो है बेटा। देखो ब्रेन न्यूरॉन्स का वो ग्रुप है जो अब जो चीज मैसेज आता है उसको रिसीव करके उसको क्या कर सकता है बेटा, उसको मैन्युपुलेट कर सकता है, उसको समझ सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, फिर उसके लिए रिस्पॉन्स कर सकता है। तो ये चीज मिनिमम डिस्टेंस कब पॉसिबल है, जब एंटीरियर एंड का। तो सिफिलाइजेशन का मतलब है एंटीरियर एंड पर ब्रेन डेवलप होना, क्योंकि एंटीरियर एंड पर ही क्या बने हमारे पास, रिसेप्टर्स बने। ये बात समझ में आ गई? पूछो सर। हाँ बेटा, मतलब हमारे भी असल में हम लोग क्या यूज करते हैं, ये टर्मिनल का मतलब एकदम ये एंड होता है, एंटीरियर का मतलब ये हिस्सा, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल। मतलब एक हाफ से इधर वाले हिस्से को एंटीरियर बोलते हैं, इधर वाले को पोस्टीरियर बोलते हैं, एकदम लास्ट को टर्मिनल बोलते हैं। तो ये सारी चीजें किस एंड पर बनी, एंटीरियर। सिविलाइजेशन समझ आ गई? यस सर। सर हमने यहाँ पे थर्मो के लिखा है, थर्मो रिसेप्टर। थर्मो का क्या मतलब होता है, थर्मो वर्ड का मतलब बता बेटा। बहुत ज्यादा टेम्परेचर, तो वो तो फिर साइक्रो उसके लिए भी जाते हैं। फिर मैंने क्या बताया, सुना नहीं ना, सुने तुमने ध्यान से, मैं कह रहा हूँ अगर मान ले टेम्परेचर का रिसेप्टर यहाँ है, आग यहाँ जल रही है, तो जब आधा जल जाएगा तब पता चलेगा, तो टेम्परेचर का रिसेप्टर यहाँ होना चाहिए ना, एंटीरियर एंड पर। अब बता, बोल बेटा, टेम्परेचर का रिसेप्टर हमारे पास एंटीरियर एंड पर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उसको पता नहीं चलेगा चेंज कहाँ हुआ। सर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उसके किसी बॉडी के मिडल में या लास्ट में जाके उसको मतलब आग लग जाए, तो सर उसके थर्मो रिसेप्टर्स को फिर पता चलेगा? बेटा अगर यहाँ है तो पहले तो वो जाएगा नहीं, यहाँ कहीं लग गई है तो ठीक है नहीं पता चलेगा, पर अगर हमें क्या करना होता है, हम ऐसे थोड़ी एवोल्यूशन करेंगे, हम तो ऐसे एवोल्यूशन करेंगे ना कि इसकी डायरेक्शन और मूवमेंट में रिसेप्टर लगा दो। yes, नहीं उधर ही करेंगे ना। Okay, बेटा मुझे बता, हमारी स्किन पर रिसेप्टर लगा रखा है, ये स्किन वाले रिसेप्टर बॉडी के अंदर लगा दें, फिर फायदा ही क्या उसको?
तो जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में वहां लगाओ ना सर, तो मतलब इसके यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में इसका होता है सरफेस से, है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है क्या चीज? हाँ होता है बेटा, ये तो एक मैंने छोटा सा केस लेके आपको समझाया कि रिसेप्टर्स कहाँ होने चाहिए और ब्रेन क्यों वहां बना, इसके तो बहुत वेरिएशन है बेटा बात को लेके। अब तो फिर रिसेप्टर्स अलग तरीके से इवॉल्व हुए, सारे रिसेप्टर एक तरीके के नहीं होते। साइक्रो रिसेप्टर के पीछे क्यों पड़ा भाई तू, छोड़ दे उसे। सर मतलब इंटीरियर एंड वैसे वो होता है जहां से डेवलपमेंट हो रही हो, इंटीरियर एंड वो होता है बेटा, हम लोग किसी और बायलेटरल ऑर्गेनिज्म के इस एक हाफ के आगे वाले हिस्से को इंटीरियर मानते हैं, पीछे वाले को पोस्टीरियर मानते हैं, ये टर्मिनल होता है, इस तरीके के रेफरेंस में। सर इधर हम साइक्रो रिसेप्टर नहीं बोल सकते क्या? यहाँ बेटा रिसेप्टर लगा ले, पर रिसेप्टर किस लिए लगा रहा है? अगर वो डिजर मूव करा उधर ही होना चाहिए ना, लगा कहीं भी ले, वो भी तो टेंपरेचर के लिए फिर शो होता है। हद हो गई यार, तो रिसेप्टर कहाँ लगाना चाहेगा, जो टेंपरेचर के पहले कांटेक्ट में है बाद में कांटेक्ट में? पहले में। फिर कैसी चीज सोच रहे हो तुम? सोच ना इस बात को सोच, ये तो बहुत स्पेशल बात है कि यार उन्होंने बनाया उस साइड, एक यही तो एक सिमिलैरिटीज बनी हमारी सबके साथ। चलो आगे देखो बेटा, अगली फाइल हम पढ़ेंगे, आप लोग जल्दी से देखो। नेक्स्ट है हमारे पास, एक मिनट रुक जाओ, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं एसकेएल मींस। ध्यान से देखो, एसकेएल मींस को हम राउंड वॉर्म कहते हैं। देखो बेटा ध्यान से, एसकेएल मींस को हम क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका पिछले वाले से हैबिटेट कैसे अलग है, इसमें फ्री लिविंग भी है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, पैरासिटिक है प्लांट और एनिमल में। पिछले वाले ग्रुप सिर्फ किस में थे? एनिमल्स में, सिर्फ एनिमल्स में, ये प्लांट में भी है और एनिमल्स में भी है। इनको हम राउंड वॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैसी शेप के हैं? सर्कुलर शेप के। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है किसी को ये ऐसा बनाया, इसको मैंने ऐसे कट किया, तो ऐसे कट करने के बाद ये ऐसा दिख रहा है, इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन में ये गोल दिखते हैं और वो फ्लैट दिखते हैं, ऐसे फ्लैट वॉर्म ऐसे दिखते हैं काटने के बाद, और ये ऐसे दिख रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या नाम देते हैं? राउंड वॉर्म देते हैं। इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं? राउंड वॉर्म। ये ऐसे दिखेंगे बेटा, देखो ये राउंड वॉर्म ऐसे दिखते हैं। ये वाले होते हैं बेटा स्टमक में, टेप वॉर्म कम होते हैं, रेयर होता है, बहुत जल्दी से नहीं होता, ये वाले होते हैं नॉर्मली बच्चों में, ठीक है, राउंड वॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब जरा इसके फीचर्स पे बात कर लेते हैं जल्दी से। फीचर भाई, इनमें सिलोम बन गई, सिलोम और बॉडी कैविटी है, याद करो, बट लाइन नहीं है मेसोडर्म से, पाउच है, सिलोमेट, हाँ ऐसे एलिमेंट्री कैनाल है, और इसमें वो पाउच बना हुआ, अभी पूरी तरीके से कवर नहीं करा, पाउच है मेसोडर्म के, इसने पूरा ऐसे कवर नहीं करा बॉडी कैविटी को, इसलिए हमने वर्ड यूज किया स्यूडो सिलोमेट। तो ये वाला स्यूडो सिलोमेट है, दूसरा सिमेट्री। सिमेट्री हमारे पास, ध्यान सुनो बेटा, सिमेट्री हमारे पास कैसी है? बाइलेटरल, क्योंकि अब तो बाइलेटरल ही चलेगी। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन है हमारे पास, और फर्स्ट टाइम यहां हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या है? ये ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, इससे पिछले वाले में ऑर्गन था, यहां पर फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या? ऑर्गन सिस्टम है। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनो, हम इनके वो वाले फीचर्स पढ़ेंगे जिनसे इन्हें कंपेयर किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन। डाइजेशन जरा डाइजेशन सबका कंपेयर करते हैं, उसमें था हमारे पास फर्स्ट वाले में क्या था बेटा? पॉरीफेरा में इंट्रासेलुलर ऑस्टियम से एंटर करते थे। दूसरे वाले में हमारे पास हाइपोस्टोम में माउथ था, हाइपोस्टोम में माउथ था और एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों थे। थर्ड वाले में, रुक जा भाई एक मिनट, थर्ड वाले में हमने क्या पढ़ा था? बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर रहा था,
बॉडी सरफेस से क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था, क्लियर, सही है। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं बेटा, ध्यान सुनो, इसमें हम क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले कंप्लीट हो गई इनमें, मतलब इधर देखो ध्यान से, ये हमारे पास इसकी बॉडी है और एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट टाइम क्या हो गई हमारे पास, क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, फर्स्ट टाइम एलिमेंट्री कैनाल ऐसे कंप्लीट हो गई, क्लियर। दूसरा इसमें कह रहा है मस्कुलर फेरिंग्स, ध्यान से सुनना मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। देखो आप खाना खाते वक्त, मुंह से ये जो हमारे पास मसल्स होती हैं, ये जो जॉ के आसपास मसल्स होती हैं, इनसे फोर्स लगा सकते हैं, क्लियर। जिनके पास जॉ नहीं है उनके अगर फेरिंग्स में मसल होगा तो वो खाना खींच सकिंग कर सकते हैं। सकिंग करने के लिए, किसी चीज को सक करके खींचने के लिए मसल होना जरूरी है, जो माउथ के बाद का जो एरिया है जिसे आप बक्कल कैविटी और बाद में फेरिंग्स कह रहे हो, वहां पे अगर मसल होगी तो फोर्स जनरेट होगी। तो जो ये पैरासिटिक फॉर्म्स हम लिख रहे हैं, ये जो पैरासिटिक फॉर्म्स लिख रहे हैं, ये कहीं पर अटैच होके मतलब चीजें सक करके खा सकते हैं। पिछले वाले में जो हम लिख भी रहे थे हुक और सक्कर, मतलब वो बेसिकली क्या था, अटैचमेंट में ज्यादा रोल कर रहा था। यहां पर ये जो मस्कुलर फेरिंग्स है जो कि वेल डेवलप है, ये हेल्प करता है किसमें, हेल्पिंग सकिंग ऑफ ब्लड या फूड किसी भी तरीके का, तो सकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है, क्योंकि इसके बिना फोर्स जनरेट नहीं होगी, मसल नहीं होगी। तो क्लियर, पूछ सुजल क्या पूछ रहा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो डाइजेशन, देखो बेटा एलिमेंट्री कैनाल क्या है हमारे पास, इनकम्प्लीट है, जिसपे वेल डेवलप क्या होगा, मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक। अब ध्यान से सुनो, रेस्पिरेशन हम अभी भी सरफेस से कर रहे हैं और सर्कुलेशन हमें नहीं पढ़ना, अभी भी एक्सक्रीशन पे आ जाते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, इनमें क्या हुआ है, ध्यान सुनो, हमारे पास क्या हुआ है, एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी पोर इनमें बन गया, जैसा हम लोग उसमें फ्लैट वॉर्म में कह रहे थे, फ्लैट वॉर्म में बोल रहे थे, यहां पर क्या होगा, इनमें भी ऐसा प्रोटोनेफ्रिडिया जैसा होगा और वो सारे इकट्ठा करके ट्यूब को देंगे और वो ट्यूब जाकर एक जगह ओपन होगी जिसे एक्सक्रीटरी पोर कहेंगे, ठीक है। इससे पिछले वाले ग्रुप में हमने एक्सक्रीटरी पोर बनाया था, पर हम साथ में ये भी बोल रहे थे कि प्रॉपरली उतना अच्छे से डेवलप शायद ना हो। यहां पर क्या है, प्रॉपर ट्यूब बन गई है, तो होते इसमें भी फ्लेम सेल है, इसमें भी फ्लेम सेल होते हैं और उसे प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, पर इसका प्रोटोनेफ्रिडिया में फर्क क्या है, एक बार देखो जरा मैं जो बोलना चाह रहा हूं। देखो बेटा, हमारे पास इसके प्रोटोनेफ्रिडिया में क्या है, हमारे पास सारे प्रोटोनेफ्रिडिया इस तरीके से पहले ट्यूब सेल से कनेक्ट हुए, फिर वो आगे जाकर सारे एक कॉमन ट्यूब से कनेक्ट होते हैं सारे, और वो कॉमन ट्यूब्स मिलकर एक सिंगल ओपनिंग बनाती है जिसे एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं। मतलब ये फ्लेम सेल है, मान लो इस फ्लेम सेल ने फिर एक ट्यूब पे गया, ऐसे करके इन सब में ओपन हो गया। तो हमारे पास ये क्या बोल रहा है, देखो ये कह रहा है कि हमारे पास एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो बॉडी वेस्ट को रिमूव करती है, कहां से, कैविटी से, कैविटी मतलब सिलोम से, और किसकी मदद से, एक्सक्रीटरी पोर की मदद से, क्लियर। एक्सक्रीटरी पोर कहां आएगा, एक सिंगल जगह पर ओपन होगा। तो एक्सक्रीटरी पोर पीछे वाले ग्रुप में भी बना रहे थे, पर वहां प्रॉपरली डेवलप नहीं था सारा कुछ, यहाँ प्रॉपर डेवलप सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि आप ये देखो, आप एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़कर एक सिस्टम बना रहे हो, तो उस तरह का सिस्टम इसमें बनता है, पिछले वालों में नहीं। इनमें न्यूरॉन्स, आगे देखो बेटा, कुछ पूछना है किसी को इस पे, हमारे पास न्यूरॉन्स को लेके क्या होगा, इनके न्यूरॉन से एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान से सुनो, मतलब जैसे मान लो ये राउंड वॉर्म है, तो इधर हमारे पास कुछ ब्रेन जैसा बन जाएगा जो रिंग फॉर्म में होगा, मतलब न्यूरॉन्स ने एक रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर बना लिया है, मतलब यहां पर काफी सारे न्यूरॉन्स इकट्ठे हैं, तो न्यूरॉन्स होते हैं और ब्रेन हमारे पास, हम कहते हैं कि सिफिलाइजेशन इसमें भी हो चुकी है, क्योंकि पिछले वाले ग्रुप में सिफिलाइजेशन हो चुकी थी, तो इसमें भी है, क्लियर। और इसमें प्रॉपर कुछ रिसेप्टर्स भी बनते हैं, ऐसा नहीं करने हमने रिसेप्टर यहाँ पर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनमें, ये डायोशियस होते हैं, डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल,
इनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से। ये दोनों मान लो ये मेल है और ये फीमेल है, लेकिन दिखने में एक जैसे। लेकिन अगर मेल फीमेल के दिखने में कोई अंतर हो, मेल फीमेल के दिखने में कोई डिफरेंस हो, उसे कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब दो तरीके की मॉर्फोलॉजी, मैं रिपीट कर रहा हूं, इनमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मतलब फीमेल बड़ा होता है साइज में, यहां पर मेल छोटा है, तो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या वर्ड यूज करते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वर्ड यूज करते हैं इनके लिए। ये समझ आ रहा है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? यस सर। क्लियर? जैसे ह्यूमन में भी मेल फीमेल देखने में अलग है। देखो सेक्सेस अलग होना एक अलग सिचुएशन है, लेकिन मेल फीमेल का अलग दिखना भी तो हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? देखो जरा ध्यान सुनो बेटा, कैसे? देखो सबसे पहला डिफरेंस, मेल साइज में स्मॉल है, फीमेल साइज में लार्ज है। ठीक, क्लियर। दूसरा देखो, मेल के इस, देखो दिस एंड इज नोन एज एंटीरियर, दिस एंड इज नोन एज पोस्टीरियर। पोस्टीरियर एंड पर एक ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉपुलेटरी स्पिक्यूल, मतलब एक तरीके से ये स्पर्म ट्रांसफर के लिए होता है। ठीक है, बाहर से यही डिफरेंस होता है दोनों में जो इन्हें अलग करता है। तो हमें कई बार मेल और फीमेल का डिफरेंस पूछ लेता है, जैसे मेल एस्कैरिस इस पोस्टीरियर एंड पर कर्व है, देखो यहाँ कर्व है ये। यस सर। ठीक है, ये कर्व नहीं है। ठीक, दूसरा कौन लार्जर है, ये स्मॉलर है मेल एस्कैरिस, फीमेल लॉन्गर है, फीमेल लार्जर है। दूसरा इसमें क्या है बेटा, हमारे पास मेल में दो स्पिक्यूल प्रेजेंट है, यहां पर इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यहां पर होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, क्लियर? अब मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। अगर देखो एलिमेंट्री केनाल, ध्यान सुनो बेटा, एलिमेंट्री केनाल की ये ओपनिंग है जिसको हम एनस कह रहे हैं। ठीक, इसको हम एनस कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर? सही है। अब इस एनस में हमारे पास अगर किसकी ओपनिंग आ जाए, जेनाइटल, जेनाइटल ओपनिंग आ जाए, मान लो टेस्टिस की जो ट्यूब है वो इसी में ओपन हो जाए, तो इसे क्लोएका कहते हैं। क्लोएका वर्ड क्यों यूज करते हैं, समझ आ रहा है बेटा? जब एलिमेंट्री केनाल और जेनाइटल ट्रैक्ट की कॉमन ओपनिंग हो, ऐसा फ्रॉग में भी होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, क्लोएका बोल देते हैं। तो इनमें क्लोएका होता है, क्लोएका इनमें नहीं होता। देखो इनमें जेनाइटल यहां ओपनिंग हो रही है, एनस अलग है, और इसमें एनस और इसकी कॉमन ओपनिंग है, यहीं पर एनस होगा, देखो इधर यहीं पर एनस होगा और यहीं पर ये स्पिक्यूल होंगे। तो इसका मतलब जब कॉमन ओपनिंग हो किसकी, एलिमेंट्री केनाल की और किसकी, और किसकी बेटा, जेनाइटल किसकी, टेस्टिस की, मतलब ट्यूब कॉमन हो, तो उसे हम बोलते हैं क्लोएका। क्लोएका इसमें नहीं है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, अलग से ओपनिंग होती है ओवरी के लिए। क्लियर? ओवरी के लिए अलग से ओपनिंग होती है कि ओवरी के डक्ट के थ्रू जो एग्स जो होंगे वह यहां प्रेजेंट होंगे, तो वो अलग है, तो वो इनमें अलग है, इनमें अलग। ये चीज समझ आ रही है? तीन डिफरेंसेस याद करने बेटा आपको। क्लियर? बोलो सर। हाँ बेटा बोल दो। बोलो सर। मैं बोलूं? बोलो बोलो जल्दी बोलो सर। उसमें स्पिक्यूल्स होते हैं बट इसमें नहीं होते सर, ऐसा क्यों होता है, मतलब जरूरत तो, सुन मेरी बात, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल है, तो स्पिक्यूल्स क्या करेंगे, स्पिक्यूल गैमेट ट्रांसफर करेंगे, स्पर्म ट्रांसफर करेंगे, और वो स्पर्म ट्रांसफर करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर तो खाली ओपनिंग चाहिए, ऐसी ओपनिंग जिसके पास में कोई ट्यूब हो और जहां पर एग प्रेजेंट हो, जहां पर क्या प्रेजेंट हो, एग प्रेजेंट हो, समझो जैसे ये ओवरी है, इस ओवरी ने एग बना के यहाँ स्टोर कर दिए और यहाँ पर ये ओपनिंग है, यहां से स्पिक्यूल के थ्रू स्पर्म ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? तो उसमें स्पिक्यूल प्रेजेंट होंगे और इसमें इसमें नहीं होंगे। दूसरा, ये जो स्पिक्यूल है ये वही ओपन होंगे जहां एनस ओपन होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कॉमन ओपनिंग को हमने क्या बोल दिया, क्लोएका। अब ठीक है? यस सर। स्पिक्यूल मतलब क्या होता है? स्पिक्यूल बाय स्पिक्यूल का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो स्पर्म ट्रांसफर में हेल्प करेगा, अभी अभी के लिए इतना पढ़ना है बस। ठीक है सर, जो हमने मतलब पॉरीफेरा में पढ़ा था स्पिक्यूल सर, वो भी यही था? अलग है बेटा, वो अलग स्पिक्यूल है, ये अलग स्पिक्यूल है।
क्लियर? ओके सर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसी है? इंटरनल। इंटरनल अभी हमने बोला स्पिक्यूल की हेल्प से करेंगे, और डेवलपमेंट में भी कुछ में डायरेक्ट है और कुछ में इनडायरेक्ट है। इसमें खास चीज क्या है कि मान लो एग है, एग से जो बनेगी चीज वो लार्वा नहीं होगी, छोटा एडल्ट होगा, फिर एडल्ट बन जाएगा, तो उसे फिर डायरेक्ट बोलते हैं। और इनडायरेक्ट हमारे पास इसमें एस्कैरिस में, एस्कैरिस क्या होता है बेटा? राउंड वर्म होता है, ठीक है। इसका सिंगल होस्ट होता है ह्यूमन, सिंगल होस्ट होता है ह्यूमन। इस वजह से इसकी लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं? मोनोजेनेटिक, डाइजेनेटिक नहीं, ठीक। दूसरा, राउंड वर्म कहां अटैक करता है? कहां अटैक करता है बेटा हमारे पास? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इस जगह पर हमारे पास मेनली क्या करता है? अटैक करता है। वुकेरिया जिसे फिलेरियल वॉर्म कहते हैं, ये डिजीज करता है, याद करो, एलिफेंटियासिस। ये लिम्फ में इंफेक्शन करता है, लिम्फ, लिम्फ वेसल्स का इंफेक्शन करता है, उससे वो पैर फूल जाता है, हाथी पांव फूलते हैं। एनसाइलोस्टोमा जो हुक वॉर्म है, ये एक्चुअल में क्या करता है बेटा? एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन, उनको अटैक करता है, उनको अटैक करता है। ये तीन एग्जांपल हैं, तीनों पैरासाइट के एग्जांपल दे रखे हैं। इनमें फ्री लिविंग फॉर्म भी होती है, लेकिन हमारे पास पैरासिटिक फॉर्म भी होती है। क्लियर? यहां तक समझ आया बेटा? अब इनको आप देखो, आपके सिलेबस में एक तो मेल और फीमेल एस्कैरिस का कंपैरिजन है। क्लियर? अब मैं कोशिश ये करूंगा, ये वाली स्लाइड ही सेंड कर दूंगा आपको ग्रुप में, सही है? ठीक है बेटा, सर। ये नोट्स फॉर्म